चले ठीक है राजपाल कश्यप जी, वो बार बार इस बात का ठीक है विकास और सबका विश्वास हमारी प्रतिबद्धता है। ठीक है राजपाल कश्यप, अभी टीवी स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सीधे आपका अरुण राजभर जी आपका रुख करते हुए, चूंकि अब तो बीजेपी के साथ आपकी नजदीकियां भी होने लगी हैं, जरा बताइए अचानक से राजभर साहब को क्यों याद आ गई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या फायदा हो जाएगा इससे देश को या फिर प्रदेश? देखिए जातिगत जनगणना होने से जिन जातियों को आजादी के बाद से अब तक लाभ नहीं मिला है, नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में लाभ नहीं मिला है, उन जातियों को लाभ मिल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए थे 2017 में, तो कहे थे मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, तो पिछड़ों का बेटा बनने के बाद उससे पहले विपक्ष में थे, तो कहे थे कि मेरी सरकार बन जाएगी मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। साथ साथ काम चल रही है। आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार को भी अचानक से क्यों सूझ गए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या फायदा हो जाएगा? 16-17 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, गिनायनक गरीबों और पिछड़ों के लिए क्या काम किया है? जातिगत जनगणना के आधार पर ही विकास तय किया जाएगा क्या? चित्रा जी आपने कहा कि अचानक से कैसे सूझ गया। देखिए ये जाति जनगणना कराने की जो हमारी पार्टी की मांग रही है, हमारे नेता की मांग रही है, या कोई नई मांग नहीं है, सालों पहले से हमारे नेता ने इस बात की मांग की है और आपने देखा है कि चरणबद्ध तरीके से हमने इसकी मांग की है। 2019-2020 में विधानमंडल में यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था और आपने देखा कि किस तरह आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में जेडीयू के जो भी सांसद हैं वो मिलते हैं गृह मंत्री से और अपनी बात को कहते हैं, एक मेमोरेंडम देते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए। अब आपने सवाल पूछा कि क्यों होना चाहिए। देखिए हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समुचित लाभ जब तक नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक बराबरी नहीं हो सकती है, और केंद्र सरकार की कोई योजना हो, प्रदेश की सरकार की कोई योजना हो, इन सारी योजनाओं का आधार जब लोगों तक पहुंचना होता है तो जाति पर आधारित होता है। कई बार कि इस विशेष वर्ग या इस विशेष समुदाय के लोग कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं? 16 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और उनको पता नहीं है कि वहाँ पर कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हैं, किन लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, किन लोगों तक सरकार की पहुंच ज्यादा होनी चाहिए। और आपने कहा कि बहुत वर्षों से हमारी मांग है, बहुत वर्षों से हमारी मांग है, फिर बिहार के लिए स्पेशल राज्य के दर्जे की भी मांग तो बहुत वर्षों से है, क्या हुआ? मैं जवाब दे दूं हाँ निश्चित रूप से। देखिए अब मांग करना हमारे हक में है और निश्चित रूप से बड़ी जोर के साथ हमने इस बात की मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि बिहार का समुचित विकास हो सके।